गाइस, मैं आपके होस्ट नुपुर एंड वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉगर नुपुर। आज है 30 जून और अभी शाम के 5 बज रहा है, 5:20 हो गया है लगभग। और आज मैं अपना व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि आज जो है मेरी जो कज़न सिस्टर है दिशु, उसका आज बर्थडे है। मतलब बर्थडे नहीं, एडवांस में बर्थडे सेलिब्रेट करें। एक्चुअल में उसका बर्थडे 3 जुलाई को होता है, तो वो आई हुई है यहाँ पे तो सेलिब्रेट करके यहीं पे। तो हम लोग बस उसी के बर्थडे में जा रहे हैं, और उसका बर्थडे वहीं हमारी बुआ घर पे हो रहा है जहाँ पे कल पार्टी हुई थी हमारे यहाँ। तो चलिए और आपको भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि उसका बर्थडे है और एकदम से उसने बुलाया है, तो कुछ गिफ्ट लेना बनता है यार, बहन है वो। तो पहले तो हम जाएंगे मार्केट, देखते हैं कुछ मिल जाता है अच्छा सा गिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताया अगर आप क्या को कमेंट करिए कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, काटे से लग रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ टिप्स देना चाहते हो आप दे सकते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो चलिए फिर चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय गाइस, चाय पी लो। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं मार्केट। जिन्होंने बताया था कुछ गिफ्ट आइटम लेना है, तो हम बस वही लेंगे फटाफट और वेट करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हम लोग खड़े हैं इस टाइम चौक में और देख सकते हैं पीछे। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं एक स्टेशनरी शॉप पे, कुमार पुस्तक भंडार पे। पापा देखो कुछ ले रहे हैं, पापा एनवेलप खरीद रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से फिर हम जाएंगे मार्केट, वहाँ से परचेज करेंगे जो भी गिफ्ट है अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये रोड जो है ये जाती है घंटाघर वाली रोड है, आप देख सकते हो उधर, और इस साइड को मंडी है। हमारे राइट हैंड साइड पे मंडी वाली रोड है, और इधर जो है वो सीधे चौक जाती है। और पापा यहाँ पे ले रहे हैं एनवेलप। ये जो स्टेशनरी की दुकान है ये बहुत पुरानी है, क्योंकि हम लोग जो हैं यहीं से सारा सामान खरीदते हैं, जितना भी स्टेशनरी का होता है सामान। पहले स्कूल जाते थे, सारे पेंसिल, कॉपी, रेजर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मिल जाती है, और पुरानी दुकान की है तो यहीं से हम सारा सामान खरीदते हैं। ये है चौक में है, तो अभी आपको करवाते हैं। अंकल, ये आपकी दुकान मतलब कब से है? हम ये हमेशा तो बचपन से देखते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे। आप बताइए दुकान कब से है? ये 75 से है। 75 से, देख सकते हैं कितनी पुरानी। वैसे अंकल आपका नाम क्या है? अनिल कुमार अग्रवाल। हमारी दुकान कुमार पुस्तक भंडार, ये चौक एरिया में है, कोतवाली के पास। और करीब ये 45 साल करीब होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ से कुछ भी चाहिए होगा स्टेशनरी का, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चौक में स्थित है कुमार पुस्तक भंडार, तो आप यहाँ पे आओ, हर चीज़ अवेलेबल है और बेस्ट प्राइस में भी। खड़े हैं यहाँ शॉप पे और हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया हमको जो लेना था, पर वो हम दिखाएंगे नहीं अभी, तो वो हम सीधे गिफ्ट ही देंगे, क्योंकि फिर गिफ्ट रिवील हो जाएगा। तो खैर, हम लोग जिस शॉप पर खड़े हैं, तो भैया बताइए शॉप कब से है आपकी? एक मिनट रुकिए, हम माइक निकाल, बताइए आपकी शॉप कब से है? ये 5 साल से है शॉप। 5 साल। और नाम क्या आपका? मोहम्मद फरमान। मोहम्मद फरमान। तो ये जो शॉप है ये मंडी में है, और क्या बोलते हैं पूरा एरिया? मोहम्मद अली मार्केट, मंडी रिक्शा स्टैंड चौक। तो यहाँ पे है, और अगर आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और आप बहुत अच्छे प्राइस में, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन भी हैं ज्वेलरी के। तो जो गर्ल्स देख रही हैं, तो प्लीज़ आओ यहाँ पे और विज़िट करो एक बार। तो फ्रेंड्स, ये है वो एरिया मंडी का, और ये जो शॉप है ये रही इधर, आप देख सकते हो। तो हमने इस शॉप से लिया है, आप पहचान लो अच्छे से, तो आप आओ यहाँ से ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं बुआ घर पहुँच चुके हैं, और ये वही जगह है जहाँ पे कल इतना शोर शराबा हो रहा था, वो पार्टी हो रही थी। आप पीछे देख सकते हो, वहाँ पे डीजे लगा था, यहाँ पे डांस वांस हुआ है और भाभी हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की तैयारी चल रही है, मतलब आज मेरी बहन का बर्थडे है, कज़न सिस्टर का बर्थडे, तो उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे रितु आलू छील रही है। ये वही रूम है जहाँ पे खूब मार पार्टी वगैरह हो रही थी कल, और आज देखिए पूरा खाली है भाई। कार्तिक बैठा है इधर,
और यहाँ पे पबजी चल रहा है। ये देखो। सो फ्रेंड्स, ये जो हैं ये मेरी बुआ जी के मदर इन लॉ मतलब सास हैं। तो दादी कैसी रही कल की पार्टी, आपको कुछ पता चला? राम 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 राम। तो भाई हमारी दादी जो हैं वो काफ़ी धार्मिक हैं, तो ये राम राम ऐसा बोलती रहती हैं और रामायण पढ़ती हैं दिन भर। तो ये अच्छी बात है कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं घर में रहें, उनका आशीर्वाद रहता है घर में, ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो दादी बताइए, आपको कल जो हुआ सालगिरह मनाई गई, तो आपको कैसा लगा? ये हमें बहुत अच्छा लगा, भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा निपटा, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा आशीर्वाद जीवन भर बच्चों के लिए है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, मतलब बड़े बुजुर्ग रहते हैं घर में और ब्लेसिंग्स उनकी हैं। तो ये प्लीज़ अगर आप लोग घर में कोई भी हो, बुजुर्ग हो, कोई एल्डर पर्सन हो, तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। मेरी दादी कैसी लगी, और तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये है भाई बर्थडे गर्ल, जो कि पूरा बंठन के तैयार हैं। तो सबसे पहले विश करते हैं एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है? हाय हाय। हाँ, मेरी बहन जो है इतनी बड़ी होके यहाँ पे भांजी साथ खेल रही हैं बलून्स के साथ। हेलो। और वहाँ पे चल रहा है लेडीज लोगों का मेकअप। तो भाई मेकअप गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दीदी क्या हो रहा है बता तो दीजिए। सब मेकअप कर रहे हैं। तो कैसी लग रही है मेरी दीदी, प्लीज इनका पूरा लुक देखिए और बताइए कमेंट करके। अरे तब भी गजब धारी, बिना तैयार हुए इतनी सुंदर लग रही हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। जो बर्थडे कर ले वो खुद कर रही, बर्थडे का अरेंजमेंट कर रही है, और जो सिक्स पैक ऐप निकाल निकाल के केक काट रहे आ रहे हैं। सिक्स पैक ऐप, हाँ वो देखो। तो वहाँ पे मुझे दीदी बुला रही है डांस करने के लिए, तो चलिए फिर डांस करते हैं। यहाँ पे ये वंश जी हमसे नाराज हैं। हेलो का माइक तो पकड़ो। हाँ बोलो। हेलो। बस हेलो बोलना था और कुछ नहीं बोलना तुम्हें। ये वही हैं जो कल इतने भैया दूल्हे राजा बन के चुप गए, आज ही उतने ही सफाई कर्मचारी लग रहे। ये देखिए इनको। ये वही है जो कल इतने बार इनकी एनिवर्सरी थी, राजा को लग रहे थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा है अब डिनर, मतलब बर्थडे पार्टी का डिनर। तो आज डिनर में है पाव भाजी है, ये भाजी रखी है, पाव है, और क्या है मैक्रोनी है जो कि बुआ जी के हाथ में है, तो हम लोग खाएंगे पेट पूजे। हाँ रख दे दीजिए, खाते फिर मिलते हैं। बताओ कैसा लग रहा है तुम लोगों को? सो फ्रेंड्स, पापा जो है खा चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं खाने, तो खा के फिर बाद में मिलते हैं आपसे। और अच्छा बहुत थक चुके, बहुत डांस हुआ, तो आपको डांस की वीडियो में सारी मेरे सेकंड चैनल मिल जाएगी जिसका नाम है मेमोरीज फॉरएवर। तो पीछे बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं। लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे। नहीं। क्या बोले बताओ? कुछ भी नहीं। ये हो रही है केक की अनबॉक्सिंग, जो बर्थडे कल है उसका केक की अनबॉक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पे केक कटिंग होने जा रही है भाई, तो बुआ जी रुचना करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday.